शिक्षा के लिए भी आपने आश्वासन दिया जी, कुछ उस दिशा में हुआ क्या प्रयास आपका? देखिए उस टाइम पे हमने उनकी एजुकेशन के लिए जो बोला था उस टाइम पे परिवार को 1 लाख रुपए की राशि दी थी हमने, शायद आपको ध्यान होगा हमारी तरफ से, और हमने उस परिवार को कहा था जो भी जिस तरह की भी जरूरत होगी तो हम तैयार हैं। वो हमने राशि दे दी थी, वैसे बताऊं राशि तो दे दी थी, वो बच्ची पढ़ना चाहती है लेकिन उसको कोई है क्या जाने पीछे, आप भी भरोसा दे गए थे? नहीं बिल्कुल भरोसा देते हैं भाई साहब हम, फिर परिवार से मिलेंगे। हालांकि हमने कहा था कि परिवार हमारे से, हमने अपने नंबर भी दे दिए थे, संपर्क कर, आपका अगर संपर्क है तो आप संपर्क करवा दीजिए, अगर आपसे कोई बातचीत हुई है नहीं तो हम परिवार से जाके बात कर लेंगे। परिवार को जो है परिवार के संतुष्टि के लिए न्यायिक जांच और पुलिस जांच के लिए संगीता का लिया गया जी। न्यायिक जांच जल्द द्वारा की गई, करीब 2.5 घंटे हो गए हैं, उस दौरान आज तक न्यायिक ना तो न्यायिक जांच पूरी हो पाई है ना पुलिस जांच पूरी हो पाई है। देखिए ये सवाल ये है कि हमने जब परिवार से उस टाइम पे भी बात की थी, हमारी तरफ से जो आर्थिक सहायता दी गई थी वो एक परिवार को की जरूरत के अकॉर्डिंग, वहां जो भी लोग थे उन्होंने हमारे को कहा था उसके अकॉर्डिंग की थी। आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, और वो न्याय दिलाना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। लेकिन इस सरकार में मुझे लगता है कि न्याय नाम की कोई चीज नहीं है भाई साहब, ऐसे ही हजारों केस ऐसे ही दबके फाइलों में ऐसे ही गुम हो जाते हैं। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, वो सरकार द्वारा की गई हत्या है, कोई आपसी रंजिश की हत्या थोड़ी है, थाने में हत्या हुई है, और जिनको भी ड्यूटी लगाई गई थी अब उनसे हम भी पूछ लेंगे, बाकी आप लोग भी पूछेंगे भी क्या ये तो फॉर्मेलिटी थी। फिर इसका मतलब परिवार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो सरकार जिम्मेदार है इस चीज की, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। पार्टियां या और लोग तो चलो अपनी इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी हेल्प कर सकते हैं सबको करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार द्वारा की गई हत्या थी।